नमस्कार, आनंदम प्रोजेक्ट या कहना चाहिए आनंदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसे राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और परा स्नातक अर्थात स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आनंदम प्रोजेक्ट 100 अंक का है, 100 मार्क्स का है। इसके प्राप्तांक परसेंटेज में सम्मिलित किए जाएंगे, परसेंटेज का निर्धारण करेंगे, परसेंटेज में जुड़ेंगे, इसलिए ये विषय विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आनंदम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है, हम फरवरी माह में हैं, 3रा महीना चल रहा है। निश्चित रूप से क्योंकि ये प्रोजेक्ट केवल 3 महीने का है, 20 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर 19 फरवरी 2021 तक चलने वाला है, इसलिए फरवरी माह आनंदम प्रोजेक्ट के लिए और आनंदम प्रोजेक्ट करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है, एक महत्वपूर्ण माह है, क्योंकि इस माह न केवल व्यक्तिगत गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों को पूर्ण करना है, अपितु आनंदम डायरी भी आकर्षक तरीके से बनानी है। आनंदम डायरी को आकर्षक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। पहली बात तो ये कि आनंदम डायरी का कवर पेज आकर्षक हो, उस पर कवर चढ़ा हो, ट्रांसपेरेंट शीट लगी हो, सुंदर हैंडराइटिंग में, कलरफुल इंक्स में आनंदम शीर्षक, विद्यार्थी का नाम, कॉलेज का नाम, सत्र, ये सब लिखे जाने चाहिए। दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो है इंडेक्स की, अनुक्रमणिका की। सबसे पहले इंडेक्स तैयार करें। इंडेक्स में क्रम संख्या, दिनांक, किए जाने वाले कार्य का शीर्षक या कार्य का शीर्षक और पृष्ठ संख्या, 4 कॉलम का इंडेक्स तैयार किया जाए। जैसा 90 दिन का कार्य है, 90 दिन तक कार्य करना है और उसका विवरण आनंदम डायरी में लिखना है, तो उसके लिए क्रम संख्या में 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट करते हुए 90 तक। दिनांक का तात्पर्य है वो दिनांक जिस दिन कार्य किया गया था। ये कार्य 20 नवंबर को भी हो सकता है, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, जैसी स्थिति हो, तो जिस डेट में कार्य किया गया है उस डेट का उल्लेख होना चाहिए। तीसरे कॉलम में कार्य का शीर्षक या किए जाने वाले कार्य का शीर्षक, किए गए कार्य का शीर्षक, जो कार्य किए हैं, प्रातःकालीन भ्रमण, माता पिता की सेवा, पशु रक्षा,
विद्युत बचत, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, सफाई व्यवस्था, जागरूकता अभियान, जागरूकता रैली, कोई भी कार्य हो सकता है, ऐसा कोई भी कार्य जिससे आप आनंदित हुए हो, जिसने आपको आनंदित किया हो, उस कार्य का शीर्षक इस तीसरे कॉलम में लिखेंगे। उस कार्य का उल्लेख जिस पृष्ठ पर है, उस पृष्ठ की संख्या चौथे कॉलम में लिखी जाए। तो ये इस तरह से हम इंडेक्स तैयार कर लेंगे। इंडेक्स के बाद प्रत्येक पेज पर जो डायरी तैयार की है, 90 दिन का काम लिखना है, तो डायरी में उतने पेजेज हों, उतने पृष्ठ हों जिनमें 90 दिन का कार्य आसानी से लिखा जा सके। तो तिथि बार, डेट वाइज जो जो कार्य किए गए हैं आनंदम डायरी के दाहिनी पेज में उसका उल्लेख करें। ध्यान रहे शब्द संख्या सीमित हो, शब्दों का चयन सोच समझ कर किया गया हो, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हो जो कम होने के बावजूद भी आपके कार्यों का प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से करते हो। आनंदम डायरी में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के फोटो भी लगाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोटो के लिए जो 100 नंबर का मूल्यांकन है प्रोजेक्ट का, उसमें से 10 नंबर 10 अंक फोटो के लिए आवंटित हैं। तो फोटो ऐसे हों जिनमें विद्यार्थी काम करता हुआ दिखाई दे रहा हो, केवल फेस फोटोग्राफ नहीं लगाना है, क्योंकि मेन फोकस विद्यार्थी के फेस पर नहीं है, अपितु उसके द्वारा की जाने वाले कार्य पर है। अतः जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का फोटो विद्यार्थी की शक्ल के साथ हो, ऐसा प्रयास है। डेट्स को स्केच पेन से लिख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि डायरी पूरी तरह से आकर्षक हो, इतनी आकर्षक कि देखते ही आपके द्वारा किए गए कार्य को महसूस किया जा सके, आपकी मेहनत को महसूस किया जा सके, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन इन्हीं सब बातों पर निर्भर रहता है। सामूहिक गतिविधियों के विवरण को भी पूर्ण करना है इस माह, और इसके लिए जो ग्रुप लीडर्स हैं वो अपने अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम उनके पते डायरी मेंशन करें, और इसके साथ साथ जो जो कार्य किए गए हैं, जिस जिस तारीख में किए गए हैं, जहां जहां किए गए हैं, उन सभी कार्यों का उल्लेख उसी प्रकार
आनंदम डायरी में करें जिस प्रकार व्यक्तिगत गतिविधियों का उल्लेख आनंदम डायरी में किया गया है या किया जाता है। एक बार पुनः मेरा आह्वान है कि फरवरी 2021 आनंदम प्रोजेक्ट करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। ये आनंदम प्रोजेक्ट के लिए अंतिम महीना है, अंतिम माह है, तो कोई भी कसर बाकी ना छोड़ें अच्छे से अच्छा कार्य करने में, उसका उल्लेख करने में, उसको आनंदम डायरी में प्रस्तुत करने में, फोटो रंग बिरंगी स्याही का प्रयोग, आकर्षक कवर पेज, इंडेक्स, प्रॉपर स्पेसिंग, सुंदर हैंडराइटिंग, ये सभी चीजें आपको अधिक से अधिक अंक इस पेपर में दिलवा सकती हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अपनी अपनी आनंदम डायरी को अच्छे से तैयार करें, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, रंग बिरंगी स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी स्याही जो आकर्षण प्रदान करे। जो भी लिखा जाए उसके लिए शब्द चयन बहुत ही उत्कृष्ट हो, उच्च कोटि का हो, चुने हुए शब्दों का प्रयोग हो, सोच समझकर लिखा जाए, जल्दबाजी में कोई भी विवरण ना लिखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आनंदम प्रैक्टिकल एक महत्वपूर्ण पेपर है और आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके द्वारा किए गए श्रम के आधार पर इस पेपर में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा सुझाए गए सुझाव आपको पसंद आए होंगे और इसी के आधार पर आप तो व्यक्तिगत गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों की आनंदम डायरी को 19 फरवरी 2021 से पहले आप तैयार कर लेंगे और महाविद्यालय में 20 फरवरी 2021 के बाद मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।